फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस मोम, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरा नाम पूजा है और मेरी हाइट 5.4 इंचेस है और मेरा करंट वेट 55 केजी है। आज मैं आपके सामने एक वेजिटेरियन इंडियन डाइट प्लान लेकर आई हूँ। उससे पहले, उस डाइट प्लान को बताने से पहले, मैं आपको अपने ओवरवेट जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं बचपन से ही बहुत ही फिट और एक्टिव गर्ल हुआ करती थी, बट कॉलेज टाइम में, जैसे कि सभी लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं, मैं भी हॉस्टल में रहने गई थी। वहाँ उस टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था और मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब हम ओवरवेट होते हैं और हम हैप्पी होते हैं, हमको कोई महसूस नहीं होता है। लेकिन सबका एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट था। एक बार मैंने एक अपनी पिक फ्रॉक में क्लिक की, जैसे कि मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक था, तो मैंने जब वो पिक देखी तो मुझे धक्का लगा उस पिक को अपने आप को देखकर, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी पिक, कि मैं इतनी मोटी कैसे हो गई, मैं कब 50 से 70 हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, मुझको अब पतला होना था और ड्रेसेस में फिट होना था और अपनी लाइफ को बहुत ही हेल्दी और फिट बनाना था। तो जैसे कि सभी करते हैं, गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, इधर सर्च, इससे पूछना, उससे पूछना, ये सब बात 2015 की थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे रुकना नहीं है और मुझे अपना बॉडी को फिट करना है कि जैसे मैं पहले हुआ करती थी। 2015 फरवरी की बात है जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। तब मैंने एक बहुत अच्छा डाइट प्लान और एक्सरसाइज की और जून तक मैं अपना वेट सारा रिड्यूस कर चुकी थी। फिर बात आती है 2018 की। 2018 में मेरी शादी हुई और 2019 में मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरा बेटा जब हुआ, जब मैंने कंसीव किया, मेरा वेट 54 था, 54-55। लेकिन जब मैंने अपना बेटा कंसीव, मेरी डिलीवरी हुई, उस टाइम मेरी वेट 78-79 केजी था। लेकिन इस टाइम मुझे पता था कि मुझे वेट कैसे रिड्यूस करना है, तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर से जब मेरा बेटा 4 महीने का हो गया, मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, बहुत अच्छा डाइट प्लान चूज किया, उसके अकॉर्डिंग काम किया और मैंने फिर से अपना वेट 50 कर लिया। लेकिन 50 वेट मुझे लगा थोड़ा कम है, फिर मैंने अपना 4 से 5 किलो वेट इंक्रीज किया और अभी मेरा करंट वेट 55 है। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, उन्हीं के जो मैं अपनी डेली मेंटेन करने के लिए क्या डाइट प्लान लेती हूँ, वेट कम करने के लिए क्या डाइट प्लान लेते हैं, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। आप जरूर उसे करें और आप अपना 1 महीने में 10 किलो तक वजन कम कर सकते हैं इससे। तो एक गुड डाइट प्लान और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के 7 बजे हैं और मैं हमेशा सुबह के 7 बजे उठकर सबसे पहले अपना 1 गिलास वार्म वाटर गर्म करती हूँ, उसमें 1/2 लेमन और 1 स्पून हनी मिलाती हूँ। और हमेशा मॉर्निंग में मैं यही ड्रिंक लेती हूँ, जिससे कि मेरी पूरी बॉडी को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। और इसी पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है कि हमें इसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं ऐसा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ज़्यादातर जो मैं भी खा सकूँ और मेरा सन और मेरे हस्बैंड भी आराम से खा सकें। प्रोटीन हमारे ब्रेकफास्ट में फुल प्रोटीन, फाइबर और हो सके वेजीज़ और सब कुछ होना चाहिए। और आपको क्या करना है, एवरी वीक आप एक ही चीज़ नहीं खा सकते हो। तो मैंने आज सिर्फ पोहा बना कर दिखाया है, जिसमें अपने मूँगफली, कैप्सिकम, पनीर, मैंने सब कुछ मिलाकर ये पोहा तैयार किया है। इसके अलावा आप ओट्स खा सकते हैं मॉर्निंग में, स्प्राउट खा सकते हैं आप मॉर्निंग में, अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो ब्रेड ऑमलेट खा सकते हैं हम इसमें। इसके अलावा हम ब्रेड पीनट बटर खा सकते हैं, और जिसकी मोस्टली रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, मैं सबको लिंक में शेयर कर दूँगी। अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम अभी कोई भी सीजनल फ्रूट लेंगे, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जबकि ये वेट लॉस करने में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स आपको लेने हैं ज़रूर। अगर आपको वाकई में अपना वेट लॉस करना है तो डाइटिंग के साथ आपको डेली 1 आवर वर्कआउट ज़रूर करना होगा, क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ, इसीलिए मुझे नून में टाइम मिलता है। तो मैं 12 से 1 ज़रूर एक्सरसाइज करती हूँ वीक में, एटलीस्ट 5 डेज़। तो अगर आपको अपना वेट लॉस बहुत जल्दी करना है तो डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वो भी 1 आवर, जिसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लंच पर। लंच में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि लंच आपको सबसे पहले सैलड से स्टार्ट करना चाहिए। आप जो भी क्यूक्यूम्बर, कैरेट, टमाटो, अनियन खाना चाहते हैं, सबसे पहले वो खाएं आप सैलड में, उसके बाद आप खाना खाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपका पेट भर जाएगा और आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब खाने में क्या है, आपको पोर्शन कम लेना है, मतलब कि क्वान्टिटी कम लेनी है, पर खाना सब कुछ है आपको। इसके अंदर वेजीज़, दाल, छोले, राजमा और ग्रीन वेजिटेबल्स सब कुछ अपने लेना है, कर्ड, राइस, रोटी, जो भी आप लेना चाहते हैं सब आप
अपने लंच में लेंगे, पर क्वांटिटी कम होनी चाहिए और वो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की 5:30 पर। अभी आप चाहे तो ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, चाहे तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ड्राई नट्स ज़रूर लें, क्योंकि आपको प्रोटीन देगा, आपको एक गुड फैट देगा, जिससे कि आपका वेट रिड्यूस होने में बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका पेट भी भरा हुआ लगेगा, आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी, आपका स्टेमिना इससे बहुत अच्छा बिल्ड होगा। 7 बज चुके हैं और अब हम डिनर लेंगे। डिनर में हमेशा आपको क्या करना है, रात को आपको कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लाएं, आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, आपको रोटी नहीं खाना है रात में, चावल नहीं खाना है स्टार्टिंग में बिल्कुल भी। आप बॉइल्ड दाल लेंगे या आप तरह तरह की चाट बना कर लेंगे, जैसे कि राजमा की चाट हो गई, काले चने की चाट हो गई, छोले की चाट हो गई, और या एक स्प्राउट चाट हो गई है, और उसमें नींबू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्वाद बनाएंगे और उसे लेंगे। उसके अलावा आप जितनी भी बॉइल्ड दालें हो सकती हैं वो खाएंगे। तो रात में आपको सिर्फ यही खाना है और सुबह तक फिर आपको 8 बजे के बाद से लेकर मॉर्निंग के 7 बजे तक कुछ नहीं खाना है, जिससे कि आपके पेट को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये था मेरा आज का डाइट प्लान। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हो गया।